Could you please left rotate an array, a number of given time, and that is D. So what the interviewer want to say? क्या कहना चाहता है interviewer? और question क्या है? Most asked question है. It is not specifically about Wipro, but we are targeting a Wipro here. Okay? कि आप अगर experience है 0 to 3 years, आपको ये question जरूर पूछा जाएगा. बहुत ज़्यादा chances है. Let's see. Understand what the question is. कि हमें एक array दे रखा है. अगर array है 1 2 3 4 5. इसका हमें लेफ्ट रोटेशन करना है. एक होता है राइट रोटेशन और एक होता है लेफ्ट रोटेशन. ये मैंने रोटेशन वाली वीडियो में समझा रखा है. मैं नीचे अटैच कर दूंगा उसका लिंक, आप देख लेना. लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है कि हमें इस डायरेक्शन चलना होता है ऐसे करके. ठीक है, आप ऐसे करके चलोगे कि आपका जो वन होगा, आपका जो वन होगा वो यहाँ आ जाएगा. और राइट रोटेशन में भी यही होगा कि आपका जो वन होगा वो यहाँ आएगा. लेकिन शिफ्ट एलिमेंट, शिफ्ट में जो एलिमेंट शिफ्ट होता है वो आगे की तरफ होता है. ठीक है, लेकिन राइट और लेफ्ट रोटेशन में थोड़ा सा फर्क है. अभी इस क्वेश्चन की क्या है, लेफ्ट रोटेशन. अपन लेफ्ट रोटेशन समझते हैं कि आपका वन यहाँ आएगा. और पहले कैसे आएगा समझते हैं. पहले देखो आपने क्या किया, ये वन कहीं पे आपने होल्ड करके रख लिया. ठीक है, और सारे एलिमेंट्स को आपने आगे खिसका दिया. कैसे, कि आपने वन हटा दिया और इतनी वैल्यूज को आगे खिसका दिया और जो एंड में वैल्यू है वहां पे वन रख दिया. अप्रोच क्लियर हो रही होगी. क्या करना है, एक एलिमेंट पकड़ना है, सारों को आगे स्वाइप करना है और एंड में जो एलिमेंट पकड़ा है उसको एंड में पटक देना. ठीक है जी, चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. इसको अगर मैंने यहाँ पे लिखा मेन, ठीक है, अब मैं एक फंक्शन अलग से बनाऊंगा. ठीक है, पब्लिक और स्टैटिक, और यहाँ पे मैं एरे इसी में प्रिंट करवा दूंगा और वो होगा मेरा लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट एरे रोटेशन. ठीक है, और ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप मेरे को ना एरे दो और इंटीजर डी दो जितना आपको रोटेट करना है. सेम यही अगर ऑनलाइन में आएगा तो यही सिंटैक्स होगा. ठीक है, सबसे पहले अगर ऑनलाइन भी टेस्ट दे रहे हो या कैसे भी दे रहे हो, जैसा आपका जैसे पहला राउंड होता है वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, जो भी है फेस टू फेस इंटरव्यू में, मैं चेक करूँगा बेस्ट प्रैक्टिस कि जो लेंथ है मेरी एरे की अगर वो इक्वल इक्वल टू जीरो है. हो सकता है ना कि टेस्ट केस को जीरो वाला हो तो सीधे रिटर्न हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी प्रिंट करवाने की, है ना. और अगर नहीं है तो उस केस में मैं अपना काम करूंगा. और आप काम कैसे करोगे कि आपने बोला कि मेरे को एक फॉर लूप चाहिए जो कि इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से चलेगा और आई जितनी बार चलेगा जितनी बार मेरा डी है. ठीक है, अब लेस देन जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन उतनी बार ही चलेगा, आई प्लस प्लस कर दो जी. ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं कि मेरे को अगर किसी ने दो टाइम रोटेशन बोला है यहाँ पे तो मेरा ये लूप दो बार चलना चाहिए. ठीक है, फिर मैंने बोला फॉर, एक और मैं लूंगा जे इक्वल्स टू जीरो एंड जे लेस देन, जो आपका एरे होगा ना उसकी लेंथ आपकी जितनी भी होगी उस तक माइनस वन तक चलेगा. चलो अभी लेंथ तक कर देते हैं, बता दो माइनस वन तक क्यों चलता है. ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा. आप देखो आपका जो एरे है, ठीक है, वो ए आर आर है. अब आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट पीछे के एलिमेंट जो हैं ये 2 3 4 5 आप आगे लेके आए हो पहले वाले इंडेक्स पे, तो आप एक एक एलिमेंट आगे बढ़ा रहे हैं, है ना. तो आप कैसे करोगे कि आपका जो ए आर आर ऑफ जे है इस वाले में मुझे आगे बढ़ाना है, ए आर आर ऑफ जे है, ठीक है, इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे प्लस वन. सिंपल लॉजिक है कि पीछे वाले मुझे आगे लेके आने हैं. लेकिन दोस्त देखो, अगर इसमें आप ऐसे स्वाइप करोगे, ये वाला जो आपका लॉजिक है वो स्वाइप करने का है ना, और अगर आप इसमें स्वाइप करोगे ऐसे तो आपका जो एरे होगा वो इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड चला जाएगा क्योंकि आप प्लस वन कर रहे हो, है ना. तो यहाँ पे माइनस वन करो, सिंपल है, समझ में आ गया माइनस वन क्यों कर रहे हैं. अब एक मैंने क्या बोला था कि हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम आगे का एलिमेंट होल्ड करेंगे. आप डायरेक्टली ऐसे पुट कर दोगे तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी आठवें वाले से, आप खो दोगे जो आपकी पहली वाली वैल्यू है, है ना, आंसर सही नहीं आएगा. तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो और जब भी आप इस लूप में एंटर हो तो टेम्परेरी वेरिएबल में आप एरे आई की वैल्यू नहीं डालनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो लूप चलेगा वो कैसे भी चलता रहे हमें जीरो ही डालना है. क्यों, कि एक बार जब ये लूप चलेगा पहला वाला और ये अंदर वाला लूप अपना काम कर देगा तो आपका जो एरे होगा वो ऐसे बन जाएगा. होप यू गॉट इट. फिर आप ये वाली वैल्यू पकड़ लोगे, आपने अभी इनिशियल ये वाली पकड़ी थी, फिर आप ये वाली पकड़ लोगे. दैट्स वाई हमेशा हमें जीरो वाली वैल्यू चाहिए.
आपका काम हो गया यहाँ पे। अब एक लास्ट काम बचा है, जैसे ही आपका ये अंदर वाला खत्म हो जाए ना, आपने ये वाली वैल्यू होल्ड करके रख ली, आपने ये 2, 3, 4, 5 आगे खिसका दिए, इतना काम पूरा हो गया है ना। अब ये कौन रखेगा है ना, ये वाला 1 कौन डालेगा। तो जैसे ही ये अपना काम खत्म कर दे स्वाइपिंग का, आपने एक काम करना है कि एरे की जो मेरी लेंथ है ना, -1 पे जाओ और इक्वल्स टू क्या डालो, जो आपने टेम्प होल्ड करके रखा हुआ। ठीक है जी, आपका हो गया अश्विनी। अब ठीक है, अब कुछ नहीं, सीधे प्रिंट करवा दो, हो गया आपका काम। अब लेके आप जब इंटरव्यू में प्रिंट करवाओगे तो प्रॉपर लूप लगा के करवाना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ, arrays.toList। अब इसमें आप एरे पास कर दोगे तो ये एज अ लिस्ट आपको प्रिंट करवा देगा। यहाँ से सिर्फ मैं इसको कॉल करवा देता हूँ, ताकि कॉल करवाने से पहले मेरे को एरे चाहिए होगा। तो चलो arr, और इसको मैं डायरेक्टली वैल्यू दे देता हूँ कि 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और आपको एक इंटीजर डी चाहिए होगी, या तो डायरेक्ट यहाँ पे ले लो या डायरेक्ट मेथड में पास कर देना। ठीक है, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। अभी हम 3 के साथ भी देखेंगे। ठीक है, हो सकता है हमारा 2 के लिए चल रहा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर 2 के लिए चलेगा तो 3 के लिए भी चलेगा। ठीक है, चलो जी, अब अपन इसको प्रिंट करवा के देख लेना कि अपना आंसर क्या आएगा। मेरे अकॉर्डिंग आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, आ गया 3, 4, 5, 1, 2। अब आप 3 के लिए भी करवा के देख लो, अब 3 के लिए आपका आंसर क्या आना चाहिए भाई, कि आप यहाँ पे अगर 3 बार रोटेट करोगे लेट सपोज, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4, 5, 1, 2, 3 है ना। चलो जी देख लेते हैं, 3 के लिए अपन रोटेट कर रहे हैं, ये लिया मैंने, रन कर दिया, और 3 के लिए जो मेरा आंसर आएगा वो देख लेते हैं। फिर आया, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो विप्रो के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा गया है। नॉट अ विप्रो, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो कोई भी कंपनी लाइक कॉग्निजेंट, विप्रो, इंफोसिस, माइंडट्री, HCL, परसिस्टेंट, LNT, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आप इसको देख के जाना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक मेरे लिए अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई और टॉपिक है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली है तो डू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।